प्लांट बेस्ड डायपर्स। ये तो आप लोग को एक्सपीरियंस है, आपको जरूरत है। अरे डायपर्स मत पहनाओ, रैशेस हो जाएंगे। कपड़े की नैपी ही बेस्ट है, हमारे टाइम तो डायपर्स होते ही नहीं थे, बच्चे तो हमने भी पाले हैं। शख्स बेबी आने से पहले ये मुफ्त की एडवाइस जरूर आने लग जाती है सब रिश्तेदारों से। रितेश आपकी तरफ भी एडवाइसेस जल्दी ही आने वाली हैं। आने लगी हैं ऑलरेडी। ओह वाओ। शख्स एक न्यूबॉर्न को दिन में 10 से 15 बार नैपी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। ऑर्डिनरी डायपर्स में होते हैं 60 से भी ज्यादा केमिकल्स और टॉक्सिन्स जो बच्चों को बहुत ही पेनफुल रैशेस कॉज कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए एक छोटा सा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता है, उसको इस रैशेस से कितनी तकलीफ, कितनी जलन, कितनी इचिंग होती है। तो इसका सोल्यूशन है ऑल्टर, इंडिया की पहली सर्टिफाइड रैश फ्री डायपरिंग रेंज। शार्क्स आई एम सुरभि, मैं हूँ ऑल्टर की फाउंडर और मैं दिल्ली से हूँ। ऑल्टर डायपर्स बने हैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक बैम्बू से, जो इन्हें बनाता है एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट, सुपर सॉफ्ट और हाइपो एलर्जिक। ये इंडिया का पहला हाई परफॉर्मेंस डायपर है जो कि इको फ्रेंडली भी है, यानी कि बेबी और हमारे प्लैनेट दोनों के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन। हमारे डायपर्स के साथ हम बनाते हैं 99% वाटर बेस्ड वाइप्स, जो आप खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट letsalter.com और ई-कॉम मार्केट प्लेसेस से। आई एम अ मदर टू अ 2-year-old myself। मैंने अपने बेटे को आज तक सिर्फ ऑल्टर के प्रोडक्ट्स पहनाए और उसको रैशेज नहीं हुए। दिस इज द ट्रस्ट दैट वी हैव बिल्ट विद 10,000 मॉम्स ऑल अक्रॉस इंडिया। ऑल्टर के साथ हमारा विजन है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिसमें पेरेंट्स को अपनी कन्वीनियंस और बेबी के कंफर्ट के बीच में कभी भी चूज ना करना पड़े। और इसके लिए मेरा आस्क है 1 crore फॉर 2.5% इक्विटी। शार्क्स हम हैं डायपर्स और लंगोट का नया अल्टरनेटिव, ऑल्टर। ये डॉट क्यों लगा हुआ है इसमें, ब्रांड में डॉट? पहले की जितनी भी आप चीजें यूज कर रहे हैं उस पे फुल स्टॉप मारिए, एक नई चीज को सोचिए। लेकिन वो थॉटफुल है, लेकिन बाकी आपका लोगो थॉटफुल नहीं लग रहा है। व्हाई इज दैट? वहां पर जो लोगो लगाया है टीवी पे, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। लाइक इवन द आर, फॉन्ट इज वेरी डिफरेंट, ए इज कंप्लीटली डिफरेंट। क्यों ऐसे? नहीं नहीं, ये मिस्टेक, प्रिंटिंग एरर। और आपको नजर नहीं आया पहले? सर ये मिस हो गया मुझसे। कोई बात नहीं, होता रहता है। नहीं नहीं, होता नहीं रहता यार, ब्रांड बिजनेस में ये नहीं होना चाहिए। इट्स अ क्राइम, इरिटेशन होती है। इट्स अ क्राइम, इट्स नॉट राइट, समथिंग टू टेक वेरी सीरियस कॉग्निसेंस। आई फॉर डिटेल। डायपर इंडस्ट्री सब समझते हैं काफी बड़ी है, राइट? हाँ। और काफी लोग आ गए फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड सेंटर विद डिफरेंट पोजीशनिंग, अल्टीमेटली टू से कि वी आर बेटर फॉर द बेबी। आप कुछ बोलते हो, लोग और कुछ बोलते हैं। सर मैं कुछ नहीं, काफी क्लटर्ड हो गई। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ मैं सर्टिफाइड रैश फ्री हूँ, ये इंडिया का कोई भी ब्रांड क्लेम नहीं। ये आपका दावा है? ये मेरा दावा है, मेरे पास इसके लिए सर्टिफिकेशन। कौन देता है? सर जर्मनी में एक बहुत ही रिनाउंड लैब है डर्माटेस्ट, जो एलर्जी सर्टिफिकेशंस में बहुत फेमस है, बहुत ट्रस्टेड है, तो उनसे हम ये सर्टिफिकेशन लेते हैं। इंडिया में कोई डायपर्स हैं जो उस ब्रांड से सर्टिफाइड है? नहीं, कोई भी, नॉट इवन वन। ग्लोबली देयर आर सम इन यूरोप, बट कोई भी क्लेम नहीं करता है कि हम सर्टिफाइड रैश फ्री। आप सैंपल्स दिखाइए सुरभि, देन वी विल अंडरस्टैंड बेटर। निवेश जी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आइएगा। निवेश जी, निवेश जी, रितेश को सारे डब्बे दे। रितेश नहीं, निवेश। ये डायपर्स हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फील पैकेजिंग वाइब और सॉफ्ट, वेरी क्वालिटी, वेरी सॉफ्ट, वेरी गुड क्वालिटी, वेरी लग्जूरियसली कंफर्टेबल। या या, ये प्रोडक्ट में जो स्टिकी है ये काफी सॉफ्ट है, ये कैसे आपने बहुत फाइन फैब्रिक से स्टिक हो रहा है यहाँ पर? प्रोडक्ट में हर मटेरियल जो है दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट जो उस कैटेगरी में मैन्युफैक्चरर्स हैं उससे सोर्स किया हुआ है। अगर सबको पता है पैम्पर्स को, हगीज को, इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ चले जाओ या प्लांट बेस्ड की तरफ चले जाओ, आई एम श्योर दे मस्ट बी स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन आरएनडी, वो क्यों नहीं कर पाए?
इंडिया में डायपर पेनिट्रेशन सिर्फ 7% है। 10,000 करोड़ की मार्केट है हमारी जो मास डायपर से चल रही है। इंडिया में सर 25-30 साल तक पहले तो कोई डायपर पहना ही नहीं रहा था, अब डायपर पहनाना ही बहुत बड़ी बात हो गई है। तो हाँ। इस पे आना या कंज्यूमर को इस पे ग्रेजुएट कराना, पैंपर्स को लग रहा है 10,000 करोड़ की मार्केट तो अभी बनी पड़ी है ना मेरी, इस पे क्यों आ गई? ठीक है, ये अभी छोटी, ये समझ गया। व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ग्लोबली? सर यूएस में ऑलरेडी है केमिकल फ्री ऑर्गेनिक 7-8 ब्रांड्स, और वो कैसा कर रहे हैं? सर ऑनेस्ट कंपनी है जैसे का एल्बा की, लास्ट ईयर ही नैसडैक पे लिस्ट हुए हैं वो, इको बाय नैटी है। और ये लोग जो बड़े प्लेयर्स हैं ये नहीं घुसे? नहीं, वो नहीं घुसे। सर पोजीशनिंग की भी बात होती है ना, ये 50 रुपए का एक पड़ रहा है प्रीमियम डाइपर, ये प्रीमियम है ना, मतलब नॉर्मल डाइपर तो इससे काफी सस्ता होगा। ऑन एन एवरेज हमारा पर डाइपर कॉस्ट अराउंड 30 रुपीज। इसको लाइक टू लाइक कंपेयर करते हैं, अगर ये ही मैं खरीदूं नॉर्मल तो प्राइस डिफरेंस कितना? पैंपर्स का एक प्रीमियम वेरिएंट आता है, पैंपर्स प्रीमियम पैंट्स या पैंपर्स प्योर, वो कितने का है पर? 25-25 रुपए के अराउंड। मतलब बेसिक पैंपर्स इज अबाउट 15 रुपए। हां बेसिक पैंपर्स का लग्जरी हो गया यार एक तरह से। वही तो कह रहा हूं, बहुत छोटा मार्केट रह जाएगा। आप बता दीजिए ना, सेगमेंट्स अलग अलग है, आपने खुद कहा मास है, प्रीमियम है, सुपर प्रीमियम, फॉरगेट, लेट्स नॉट यूज द वर्ड लग्जरी। इंडिया में टोटल डायपर्स मार्केट 10,000 करोड़ है, तो मान लेते हैं कि सुपर प्रीमियम 300-400 करोड़ का हो। सर इतना हम नैरो डाउन नहीं करेंगे ना, जो 25 रुपए का डायपर खरीद रहा है वो ऐसा नहीं है वो 50 का नहीं खरीद सकता है, वो खरीद सकता है, उसके पास अल्टरनेटिव ही नहीं है। ओके, तो आप टाइम को पूरा रखना चाहते हैं, व्हिच इज अ फेयर एक्सपेक्टेशन। आज अगर रितेश को नहीं पता होता, आई एम श्योर ये मार्केट में जाते या ऑनलाइन जाते, पैंपर्स प्रीमियम खरीद लेते। दिन में कितने बार करना पड़ता है? अभी अपने सारी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब ये बताइए। 8-10 बार करना पड़ता है, एंड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्टफ इन द डायपर। मतलब अगर बच्चा बहुत पूप भी कर रहा है तो फिर ज्यादा भी करना पड़ेगा। शार्क टैंक सीजन 4 में ये शायद नहीं आ पाएंगे। तभी रितेश विल बी ऑन डायपरिंग ड्यूटी दैट टाइम। अब वो हमारी बात हुई 50-50% करेंगे, मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लगेगा। बट बेसिकली अगर आप इसका समेशन करो तो 50 रुपया गुना 15 तो आपका दिन का 750-800 का बिल बैठ गया। 10-15 बार अगर आप कपड़े की नैपी यूज करें, दैट इज द अमाउंट ऑफ टाइम वो पी करेगा। अगर आप डायपर पहना रहे हैं तो 6-7 डायपर्स में आपका काम हो जाएगा। 7 पे भी 50 350 × 30 मतलब 10,000 रुपए का महीने का बिल बैठेगा, 10-11,000 रुपए। एज अ मदर ये जो आते हैं डायपर रैश क्रीम्स जी, तो मैं मेरे बच्चों को इवन हुआ ना हुआ रैश, इट वाज लाइक अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि हम वो लगाते थे। वो अगर हमने लगाया ऑन अ रेगुलर बेसिस, देन अ पैम्पर्स एंड हगीज इज आल्सो गुड इनफ ना, बिकॉज वो रैश क्रीम की वजह से आपका चांसेस ऑफ गेटिंग अ रैश बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। प्रिवेंटिव है, एक तो आप हगीज खरीद रहे हो, पैम्पर्स खरीद रहे हो, फिर ये क्रीम का भी खर्चा कर रहे हो, क्योंकि बहुत मल मल के एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, ऐसा नहीं है। ऊपर से कोई गारंटी नहीं है बच्चे को रैश नहीं होगा। सही बात है, होता ही। पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएंगे, कोई और स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट लगाएंगे। और तीसरी बात, 3 साल तक आप अपने बच्चे को कंटिन्यूअसली इतने ज्यादा प्रोडक्ट से एक्सपोज करें, ऑलरेडी आपके डायपर में बहुत सारे केमिकल्स हैं, फिर वो क्रीम लगा लगा के जेनिटल एरिया को आपने पूरा भर दिया है केमिकल्स से। आप सोचिए एज विमेन हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स बैम्बू बेस्ड सैनिटरी पैड्स और रैश फ्री सैनिटरी पैड्स, हमें कितनी प्रॉब्लम होती है जब हम एक कन्वेंशनल पैड यूज करते हैं, तो बच्चा तो बोल भी नहीं सकता, हमें ही समझनी पड़ेगी ना उसकी प्रॉब्लम। बस आपके सेल्स स्किल्स की तो दाद देनी पड़ेगी, तो आप सेल्स ही अपनी बता दीजिए, पिछले 3 साल में क्या है आपके सेल्स रेवेन्यूज अर्निंग्स, थोड़ा इस बारे में बात करें। इस साल अभी तक हम 5.5 करोड़ कर चुके हैं एंड वी आर ऑन ट्रैक टू डू 10 crore। वेल डन। नेट सेल्स नेट ऑफ जीएसटी डिस्काउंट्स एवरीथिंग। एंड लास्ट ईयर हमने 4.8 पे क्लोज किया था, उसके पहले वाले साल 3.2, उसके पहले 1.5। हमने 2020 में स्टार्ट किया था, वी हैड 3 months इन द फाइनेंशियल, हमने 7 lakhs किए। प्रॉफिटेबिलिटी है कि कैसे चल रहा है धंधा? सर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अभी कितना चल रहा है? अभी हमारा -6% EBITDA पे। मतलब आपने पैसे भी ऑलरेडी रेस कर चुके हैं? बूटस्ट्रैप्ड हैं सर। बूटस्ट्रैप्ड है, तो कहाँ से लगा रहे हो आप पैसे? मेरे हस्बैंड, उनका अपना बिजनेस है। मेरे हस्बैंड 3rd generation एंटरप्रेन्योर हैं, आर्या बुक्स को मैनेज करते हैं वो दिल्ली में, मेडिकल और स्कूल पब्लिशिंग का हमारा काम है। बहुत पॉपुलर ब्रांड ऑफ कोर्स। हाँ। कितना पैसा लगाया उन्होंने? 2.25 crores। तो एक तरह से आप में निवेश हो ही गया है। करेक्ट, द अर्ली स्टेज है ना। यस यस। समझा दो कि क्या कॉस्ट ब्रेकअप है, किस तरह के यूनिट इकोनॉमिक्स हैं आपके? मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस 800 है,
कॉग्स 400 है, पैकिंग मटेरियल 6 रुपीज है, कमीशन 55, शिपिंग 67 रुपीज, मेरी मार्केटिंग 200 रुपीज, एम्प्लॉई एंड एडमिन कॉस्ट है 120 रुपीज, दैट लीव्स मी विद नेगेटिव 48. इसका मे बी इकोनॉमिक्स जो आ रहा है वो आएगा आपके कॉस्ट में, अगर ये कम हो जाएगा कॉस्ट तो प्रॉफिट आ सकता है, तो कितना कम हो सकता है इसका कॉस्ट? 10-15% हम कम कर सकते हैं, बस इतना से हो पाएगा. बैम्बू तो इंडिया में उगता है, इसका रॉ मटेरियल क्या है? सर बैम्बू तो उगता है, बट उसको डायपर में जिस फॉर्म में हमको लेके आना है, जो आप टच एंड फील कह रहे हैं इतना सॉफ्ट है, बैम्बू पल्प बड़ा रफ होता है, उसको बेबी डायपर में नहीं डाल सकते, छिल जाएगा बच्चा. तो बैम्बू का वो प्रोसेसिंग प्लांट तो लगा होगा ना इंडिया में ऑलरेडी? नहीं नहीं है सर. आप कहाँ बनवाते हैं? ये चाइना में बनता है, इसीलिए इतना महंगा. तो ये एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये बैम्बू उस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है जो डायपर में जा सके. आप बार बार कहती हो कि दुनिया में ये फर्स्ट क्लेम है ऑफ 100% नो रैश डायपर, फिर भी आप ये भी कहती हैं कि सप्लाई चेन काफी सेट है, बिकॉज यू से चाइना में यू कैन गेट दिस मेड, आप यहाँ नहीं बनाती है. तो कहीं लग रहा है मुझे कि ये सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इन द वर्ल्ड, तो वो किसको बना के दे रही है? दे आर सप्लाइंग टू मेनी यूरोपियन ब्रांड्स, दे आर ऑलरेडी इन द प्रीमियम और द इको फ्रेंडली डायपर स्पेस. उनके पास 100% नो हाउ नहीं है, 70% तक वो उनके पास है कैपेसिटी, बाकी का 30% अल्टर उनके पास लेके जाएगा और फिर हम प्रोडक्ट बनाएंगे. तो अगर ये क्लेम वाकई में किसने नहीं लिया और इतना अच्छा डिफरेंशिएटर, व्हाई नॉट ग्लोबल? सो वी आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद नूम इन द मिडिल ईस्ट, यूएई, तो यूएई से स्टार्ट करने वाले. आज आपका रिपीट परसेंटेज कितना है? सर 30% है मेरा. ये ज्यादा नहीं होना चाहिए? 70% जो रिपीट नहीं कर रहे वो क्या कह रहे हैं आप? हम ना ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ट्रैक कर रहे हैं. बहुत अच्छा. सारे यूजर जो हैं वेबसाइट से लेके मार्केट प्लेस पे चले जाते हैं. वहाँ पे कभी डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट कुछ हो गया? सर और डायपर्स ना एक आपकी ग्रोसरी लिस्ट में आ जाती है. शिपिंग एड्रेस तो सेम रहता है, आप जज कर सकते हो कि रिपीट कितना रही है. सो वो चीज हमने अभी ऑनेस्टली ट्रैक नहीं करी है. आपका रिपीट रेट कैलकुलेट कैसे करते हो? 6 मंथ्स के कोहोर्ट के बेस. दिस इज अ कोहोर्ट बेस्ड रिपीट? यस कोहोर्ट. 6 मंथ के कोहोर्ट में हमेशा रिपीट ज्यादा दिखेगा, क्योंकि एक कस्टमर जो 6 महीने में कभी भी आ जाए वो गिन रहे हो आप, और मंथ के अंदर और कम हो जाएंगे वो. शॉपिफाई पे जो फिगर आती है ना, मैंने आप वो वाला वो कोहोर्ट कन्वर्जन नहीं है, आप नहीं देख रहे हैं, आप डेटा ठीक से नहीं देख रहे, आप थोड़ा डेटा में डीप जाओ. आज मैं बाहर हूँ, ये जो है ना मेरे को थोड़ा आपका पैशन प्रोजेक्ट जैसा लगा, जिसके अंदर घर का पैसा लग रहा है और बर्न भी चल रहा है, और इसका मार्केट साइज जो है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कितना बड़ा है. रिपीट रेट से भी मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ नहीं फ्रेंड. I wish you all the best to build on something large. But market बहुत ही ज़्यादा छोटा. You know, passion project usually is perceived as something that's on the side and not, it's not with a serious intent, yes. Right? I think आप बहुत serious हैं. आपने जिस तरह से questions answer किए, they were brilliant. Yeah. So I love you as a founder. But to be very honest, I agree with Amit on the point कि इसका market size gets limited because of your pricing. For that reason, I'm out, but very impressive founder. Thank you. आपका GTM क्या है? आपको कितने पैसे raise करने पड़ेंगे? और आप इसको बड़ा brand कैसे बनाएंगे? Sir, in 5 years, I see this to be a 100 crore in revenue brand. 10 crore तो already ये साल कर रहे हो. 5 साल में सिर्फ 100 करोड़. Sir, मैं मारवाड़ी हूँ और मैं बनिया family में married हूँ. ग्रोथ अग्रेसिव करनी है बट PNL को भी नहीं छोड़ना है, ये मेरी मेंटालिटी है. मुझे हमेशा यही सिखाया गया है कि पैसा फूकना नहीं है, चाहे अपना है चाहे इन्वेस्टर का है. अच्छी बात. इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम और भी बेबी केयर आइटम्स लॉन्च करेंगे. हम डायपरिंग का जो पूरा इकोसिस्टम है, डायपरिंग मैट्स, डायपर कैडीज, डायपर चेंजिंग बैग्स, उसको इंट्रोड्यूस करें. That's small. That's... फिर हम बेबी स्किन केयर में भी चले जाएं, वो भी हमारा एक प्लान है. बेबीज के बाद मुझे मॉम्स पे भी जाना. Okay. और वहाँ पर भी आपकी पोजीशनिंग प्रीमियम ही रहेगी? नहीं सर, मास प्रीमियम करेंगे. मास प्रीमियम करोगे तो इसका प्राइस भी कम लाओगे? कम लाएंगे. उसमें लॉन्च करके आप एक मास प्रीमियम. एकदम बेस लेवल ब्रांड भी नहीं बनेंगे, एकदम भी ऐसा नहीं कि यार सिर्फ 10 घर अफोर्ड कर पा रहे हैं. बीच का एक जो पाथ है हमको चूज करना. 1 crore at 5% equity plus royalty at 2% until I get my 1 crore back. And the royalty starts when you start making profits. Okay. ठीक है. And this is subject to 10 that you said you'll do 10 crores this year. The whole deal is subject to 10%. I do 10%. You said it, right? Yes. You're not a liar? No. Then you'll do 10 crores. मेरे लिए पर्सनल फेवरेट है कि आजकल मैं इन लुकआउट हूँ कि अगर बेबी ब्रांड्स. सच्चाई है कि ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है.
पर सुना है पहले ये लाइन कहीं, पर मैं फिर भी इन होना चाहता हूँ इस पे, क्योंकि मैं इसे अपनी एक्सपर्टीज बनाना चाहता हूँ। तो मेरी आपसे ऑफर है कि मैं आपको 1 करोड़ दूंगा 5% ऑफ इक्विटी के लिए, कोई रॉयल्टी नहीं। I'll give you an offer. 1 crore at 4%, no royalty, straight deal. That's my offer. मैं बस आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ जी, क्योंकि अभी 4% है, तो मैं आपको एक फेयर ऑफर देना चाहता हूँ। ये मेरा फाइनल ऑफर है, मैं भी आपको 1 करोड़ 4% पे करने के लिए तैयार। पहले वाला अनफेयर ऑफर था मतलब, that's what he accept. 1% से ना आपका लॉन्ग टर्म वैल्यू बदलेगा, ना आज का डिल्यूशन बदलेगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसा चॉइस ना लेना पड़े कि परसेंटेज के कारण आप बदलाव करें, हालांकि आप सही डिसीजन लेंगे रिगार्डलेस। सो माय काउंटर इज 1 crore फॉर 3.5% इक्विटी एंड आई वुड लव इट इफ ऑल 3 ऑफ यू कैन कम ऑन बोर्ड फॉर दिस। नहीं भाई, मेरे से नहीं। 1 crore 3.5%, आई वुड से 1 crore 4%, 3 ऑफ अस मे बी। 1 crore 4% करना है। I was always okay for 3 of us. We can all add individual value. So Sharks, 1 crore for 4% deal pakki. Duniya ke bachche jayenge rash free. You know, free diapers. Ye aur ye saath mein lijiye. Ye hum le rahe hain. Ye aap lijiye. Ye aap lijiye. All the best. Thank you so much, Sharks. Thank you. All the best. All the best.